दीपावली ने दस्तक दी तो हर घर में माल पकवान बनना शुरू। दिवाली के ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बस खाओ पियो मजा करो और हेल्थ को रख दो एक साइड। आज मैं इस कड़ी में जो स्नेक बनाने जा रही हूँ उसे जनरली लोग रेडीमेड आटे से ही बना लेते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ इसे घर में ही प्रेजेंट इंग्रेडिएंट के साथ, एक ट्विस्ट के साथ। देखिए ये कितना कुरकुरा बनकर तैयार हुआ, इसके आवाज़ से ही पता चल रहा है। चकली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी चावल का आटा लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है। जनरली चकली को रोस्टेड दाल और चावल के आटे से ही बनाया जाता है, इसलिए हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। अब हम चकली के मोयन के लिए तेल गरम कर लेंगे और चकली का आटा लगाने के लिए पानी भी गरम कर लेंगे। चकली में हमारा ट्विस्ट है सत्तू का आटा, जो कि हमारे घर में रखा हुआ था, और ये रोस्टेड गेहूँ और चने की दाल से बनता है। ये ले लिया हमने 2 कप और फिर इसमें डाल दिया भुना हुआ चावल का आटा 1 कप और फिर डाल दिए इसमें मसाले। उसके लिए हमने डाला 3 चम्मच तिल्ली, 2 चम्मच जीरा, हींग, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून डाल दिया हमने धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डाल दिया हमने हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें मोयन के लिए डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल और फिर हम इन सबको अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे और फिर गर्म पानी की सहायता से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा तैयार करने में पानी को धीरे धीरे ही डालें, क्योंकि आटा ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। यदि ज़्यादा टाइट रखेंगे तो चकली तलते वक्त टूट जाएंगी, और यदि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे तो चकली थोड़ी सी हार्ड बनेगी या चीठी बनेगी। ये हमारा आटा लगकर तैयार है, अब हम इसे ढककर रख देंगे। अब हम इसके साँचे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये साँचा मेरा लकड़ी का है, बहुत ही पुराना, करीब 30 साल, और इसे मैंने बम्बई से 10 रुपये में ख़रीदा था। आजकल तो ये साँचे देखने को भी नहीं मिलते हैं और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। और साथ ही हम तैयारी कर लेंगे चकली को बनाकर रखने के लिए। उसके लिए हम एक टिश्यू पेपर को एक ट्रे में रख देंगे। अब हम आटे का एक पोर्शन लेंगे और उसे साँचे में रख देंगे। यदि आपको आटा ड्राई महसूस हो रहा तो आप थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इसे ठीक कर लें और फिर हम इसको प्रेस करके इसकी चकलियां बनाकर रख लेंगे। ये हमारी चकलियां बनकर तैयार हैं। ध्यान रहे एक साथ बहुत ज़्यादा चकलियां नहीं बनाएं, क्योंकि यदि ड्राई हो जाएगी तो तलते वक्त टूटेगी। चकली बना रहे थे इसी बीच हमने कढ़ाई में तेल भी गर्म रख दिया था। तेल को चेक करने के लिए हमने थोड़ा सा चकली का आटा देखा, डाला तो वो थोड़े से झाग आ रहे थे। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हम इस पर चकलियाँ डाल देंगे। शुरू में हम इसे तेज आंच पर ही सेकेंगे, नहीं तो ये बिखर जाएगी, और जब ये एक बार अपना शेप ले लेगी तो हम ये इसको स्लो कर देंगे, यानी कि मीडियम पर कर देंगे, और इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसी तरीके से हम सभी चकलियों को बनाकर तल लेंगे। तैयार होगी हमारी कुरकुरी चकलियाँ। देखिए किस तरीके से मैंने घर के ही इंग्रेडिएंट से इतनी बढ़िया चकली तैयार की है, जो कि बहुत ही टेस्टी भी है स्वाद। यकीन मानिए आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से आटा लाना ही भूल जाए।